two bodies, spring oscillators. ये क्वेश्चन जो है पेज 18, क्वेश्चन नंबर 18, पेज 154 पे सोल्ड एग्जांपल है. ये तो एग्जांपल किस में है, सेंटर ऑफ मास कोलिजन के चैप्टर में है. और एक सोल्ड एग्जांपल है 12वां, पेज 246. ये 154 पे है, ये 246 पे है. ये सेम क्वेश्चन है, सेम थ्योरी पढ़ेंगे हम, जो 246 पेज पे है, सोल्ड एग्जांपल है. और उसके बेस पे दो क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज में, एक 25th और एक 30. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों का उस केस में जो मास है वो क्या सेम है, ये बी एम है, ये बी एम है, दोनों के मास जो इक्वल कर दिए. और दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक मास एम लगा हुआ है, ये स्मॉल एम है, ठीक है. यदि हम इसको कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इसका तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रही ओरिजेंटल डायरेक्शन में, तो इसको इक्विवेलेंट टू ये माना जा सकता है. तो इसको स्मॉल एम कर देते हैं, इसको कैपिटल एम कर देते हैं, ये एम हो जाएगा और ये क्या हुआ, कैपिटल एम हो जाएगा. ये जो बॉडी है इसका ये वाला जो एंड, ये एंड था, ये बी एंड था, ए ये है, ये बी है, ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ये मास एम है. अब सेम सिचुएशन हो जाएगी, सेम फार्मूला लगेंगे, सेम जिस कैसे एम्पलीट्यूड निकालते हैं दोनों में फार्मूले जो है सेम लगेंगे, सेम फार्मूले फॉर एम्पलीट्यूड भी और टाइम पीरियड भी, ठीक है. चलो हम क्वेश्चन करते हैं. पहले तो ये जो एग्जाम्पल था सोल्ड एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास कोलिजन में, कि दो ब्लॉक दिए हुए हैं और जेंटल सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं और उनके उनकी उसकी जो नेचुरल लेंथ है वो एल है. सपोज उसको हम एक्सटेंड कर दें, उसके अंदर एक्स नॉट एक्सटेंशन दे दें और उसको छोड़ दें तो क्या होगा, उसको एक्स नॉट एक्सटेंशन दे के छोड़ दें तो क्या होगा. पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, छोड़ दिया हमने, अब नेट फोर्स तो क्या है, जीरो है. जो सप्रिंग फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स है, इस पर इधर लगेगी, इस पर इधर लगेगी, दोनों का होंगी बैलेंस हो जाएंगी. नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जीरो होगा. एफ इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी. इनिशियली जीरो थी तो ये फाइनली भी क्या होगी, जीरो होगी. किसी भी टाइम पे ये क्या होगी, जीरो होगी. डिस्प्लेसमेंट निकालना हो सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, फॉर्मूला एम वन एम एस वन प्लस कैपिटल एम एस टू अपॉन टोटल मास. उसका मतलब क्या हुआ, ये चला जाके जीरो हो जाएगा. जब वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा. एस टू किसके और होगा, माइनस एम एस वन अपॉन एम. ये क्या चीज बता रहा है, एस वन और एस टू जो है मैग्नीट्यूड में तो इस रिलेशन के अनुसार होंगे, और मैग्नीट्यूड में तो और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे. एक इधर जाएगा ब्लॉक, ये ब्लॉक इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो इसका इधर होगा, इसका इधर है तो इसका क्या होगा, इधर होगा. और दोनों का जो रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट में वो इस इक्वेशन के अनुसार होगा, यानी m स्मॉल m इंटू एस वन इजिकल टू एम एस वन इजिकल टू कैपिटल m s2. मैग्नीट्यूड के अंदर ये होगा और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. एक का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो दूसरे का इधर होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे, या दोनों होंगे दोनों अपोजिट, आप अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, अंदर की तरफ हो तो कंप्रेशन होगा, बाहर की तरफ होंगे तो एक्सटेंशन होगा. ऐसे ही वेलोसिटी में भी रिलेशन देखा जा सकता है, यदि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो यहाँ पे तो वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ भी वेलोसिटी आ जाएगी. यहाँ से बता सकते हैं कि वेलोसिटी सेंटर मास जीरो तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा. तो वी टू जो है किसके बराबर, इसके बराबर होगा. यानी इसकी वेलोसिटी जो है कहीं पर वी वन जीरो कर दें तो वी टू भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा. इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर दें तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा. दोनों की वेलोसिटी में हमेशा क्या होगा, ये रिलेशन होगा. और दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी. वेलोसिटी विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी और उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, इसके बराबर होगा. दे यानी एम और कैपिटल एम की बात कर रहे हैं, विल बिकम जीरो और मैक्सिमम एट द सेम टाइम. अब इनिशियल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है.
जब इसको छोड़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स है वो इधर लग रही है, इस पे जो है इधर लग रही है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कब तक इसकी भी वेलोसिटी बढ़ेगी और दोनों की वेलोसिटी एक साथ मैक्सिमम होगी। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी टोटल जो स्प्रिंग एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी दोनों की वेलोसिटी का मैक्सिमम हो जाए, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, इसकी मैक्सिमम होगी तो इसकी भी मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब स्प्रिंग की जो सारी सारी एनर्जी है किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी है तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में ये था तो यहाँ पे आएंगे, जब ये मीन पोजिशन यहाँ पहुंच जाएगा तो ये क्या होगा, ये वो यहाँ पे पहुंचेगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा, अब स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रही है पर इनर्शिया की वजह से ये क्या होगा इधर जाएगा और ये क्या होगा इधर जाएगा, फिर इनके अंदर क्या होगा कंप्रेशन होगा, फिर एक स्टेज आएगी जहाँ पे अब जब यहाँ पे है फोर्स इधर लग रही है, फोर्स जो है वो इधर है और ब्लॉक जा इधर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो इसकी वेलोसिटी कहीं पे जाके क्या होगी जीरो होगी, ये इस पे भी क्या होगा फोर्स जो है इधर लग रही है, वेलोसिटी इधर है, तो कहीं पे जाके दोनों की वेलोसिटी सिमल्टेनियसली जीरो होगी और वो क्या होगा मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एक्स की एक्स वन की मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलेंगे, या इधर इधर भी x1 की मैक्सिमम वैल्यू ये है तो ये वाली डिस्टेंस जो a1 के बराबर होगी, ये डिस्टेंस भी a1 के बराबर होगी, इस x2 की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो क्या होगा a2 होगा, इधर जो है a2 होगा, जब ये जब मैक्सिमम एक्सटेंस कंप्रेशन होगा, यदि पहले मैंने एक्स नोट दिया है तो कंप्रेशन भी कितना होगा एक्स नोट होगा, तो इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी एल माइनस एक्स नोट रह जाएगी, और ये वाली जो जो एक्स नोट है वो किसके बराबर होगा ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस उस, ठीक है ठीक है। अब आगे करते हैं, यानी ये जो दो इन दो पोजीशन के बीच में ओसिलेट कर रहा, पहले मैक्सिमम थे फिर दोनों मीन पोजीशन पे आ गए, फिर दोनों एक साथ इधर आ गए, फिर ये दोनों जो मीन पोजीशन पे आ गए, फिर ये बाहर चले गए, इन दोनों के टाइम पीरियड क्या होंगे सेम होंगे, टाइम पीरियड ऑफ एम एंड कैपिटल एम विल बी सेम, दोनों के जो टाइम पीरियड है वो क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है वो हम प्रूव करते हैं कि दोनों के टाइम एक का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं दूसरे का भी क्या हुआ उतना ही होगा, ठीक आगे चलते हैं। वो स्प्रिंग जो है ये मीन पोजीशन थी दोनों की, ये इसकी मीन पोजीशन थी, x2 जो है यहाँ पे जीरो है कोई एक्सटेंशन नहीं है, इसका x1 जो है यहाँ पे जीरो है, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको सपोज किसी टाइम पे टी टाइम पे इसका जो एक्सटेंशन है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो x1 है, फोर्स स्प्रिंग फोर्स क्या होगा स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन इधर होगी इस पे इधर होगी, इसका इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट जो है x2 है, x1 प्लस x2 जो है टोटल एक्सटेंशन है, x1 प्लस x2 जो है टोटल एक्सटेंशन है। अब हमें पता है किसी भी टाइम पे m1 x1 जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या होंगे सेम होंगे, अपोजिट m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 इसके बराबर होगा, तो x1 दोनों जो x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और सेम होंगे, तो वही यहाँ से चल रहा है दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और सेम होंगे, तो x2 प्लस m1 इसका मास m1 नहीं सॉरी m इंटू कैपिटल m mx1 इज इक्वल टू mx2 x यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यानी m को इधर ले जाते हैं तो किसके बराबर जो है m x1 अपॉन कैपिटल m वो x के बराबर है, x1 जो है वो किसके बराबर इसमें से x1 कॉमन ले लिया LCM m हो जाएगा ये टर्म जो इसके बराबर हो जाएगी, किसी टाइम पे x1 और x में रिलेशनशिप क्या हुआ ये पता चल गया है, इसका फ्रीवे डायग्राम बनाते हैं, इसका फ्रीवे डायग्राम ये है या ये ही है, तो इसमें जो नेट फोर्स है स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग की वजह से जो नेट फोर्स है वो kx है, इस ब्लॉक पे भी लग रही है और इस ब्लॉक पे भी लग रही है दोनों का सम जीरो होगा, तो इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं इसमें नेट
डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, फोर्स इधर लग रही है, नेट फोर्स ऑन एम इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट जो एक्स वन है और फोर्स इधर लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस है, फोर्स किसके बराबर होगी, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स के बराबर होगी और वो इस पर इधर लग रही है, ठीक है। तो इस हम इस बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मास, इसका मास है इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी और के माइनस के अपॉन एम एक्स, एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू जो किसके बराबर है एक्स वन एम प्लस एम अपॉन कैपिटल एम, इसके बराबर हो जाएगी। अब ये वाली जो टर्म है एक्सेलरेशन जो है एक्स वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन जो है इसी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल एम का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वन है, इसका एक्सेलरेशन ए वन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मोशन कैसी होगी एस एच एम होगी, मोशन जो है वो कैसी होगी एस एच एम होगी। तो इसका जो कोफिशियंट है एक्स वन का वो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये के ये आ जाएगा, इस टर्म को नीचे ले गए एम प्लस एम को नीचे ले जाएं तो ये किसके बराबर हो जाएगा के अपोन एम प्लस एम इंटू कैपिटल एम अपोन एम प्लस एम, और इसको एक नया नाम दे देते हैं रिड्यूस मास, तो यहाँ पे के अपोन एम हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी सिमिलर टू स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंगल मास हो स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो उस जैसी हो जाएगी के अपोन म्यू, ओमेगा स्क्वायर जो है के अपोन म्यू हो जाएगा। टाइम पीरियड निकालना है तो को किसके बराबर होगा ओमेगा जो है के रूट अपोन म्यू होगा, टाइम पीरियड किसका टू पाई अपोन ओमेगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा टू पाई म्यू अपोन के अंडर दी रूट। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना क्या होगा, एम्पलीट्यूड होता है जितना हम एक्सटेंशन देंगे दोनों साइड जितना ये मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर जाएगा वो इसका क्या होगा एम्पलीट्यूड होगा, नहीं एक्स वन की एक्स वन इधर जा रहा है, एक्स वन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए वन के बराबर होगी, ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, जब एक्स वन मैक्सिमम होगा तो एक्स टू भी मैक्सिमम होगा, जब एक्स वन की वैल्यू जो है ए वन के बराबर होगी एक्स टू की वैल्यू क्या होगी ए टू के बराबर होगी, व्हेन एक्स वन इज मैक्सिमम एक्स वन इज इक्वल टू ए वन तो एक्स टू क्या होगा ए टू के बराबर होगा, एक्स वी विल बी मैक्सिमम, एक्स वी जो दोनों स्प्रिंग के बीच में एक्सटेंशन है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, किसके होगा एक्स नोट, क्वेश्चन में यदि कंप्रेशन दिया हुआ है तो इधर वाली चीज ले लेंगे कि ये ए वन इधर है इसका ए टू इधर है तो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो ए वन प्लस ए टू के बराबर होगा, तो ए वन प्लस ए टू जो एक्स नॉट के बराबर है ये वाली सेम चीज होगी, यहाँ पे ए वन पुट कर दिया, यहाँ पे ए टू पुट कर दिया, यहाँ पे हमने एक्स नॉट पुट कर दिया, तो ए वन और एक्स में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, यहाँ पे ए वन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स नॉट आ जाएगा, तो ए वन या दोबारा सोल्व करना चाहते हो दोबारा सोल्व कर सकते हो, एम एम स्मॉल एम इंटू ए वन इज इक्वल टू एम ए टू, ए टू की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा, ए वन की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ए वन यानी जो स्मॉलर ब्लॉक है उसका ए वन मास इसका लिया है, मास जो है दूसरे ब्लॉक का लिया उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू एक्स नोट, ए टू की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो एक्स नोट माइनस ए वन, या ए टू निकालना तो ए टू इसका निकालना तो दूसरे का मास स्मॉल एम अपॉन टोटल मास इनटू एक्स नोट, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो हमने टाइम पीरियड भी निकालना आ गया है और एम्पलीट्यूड भी निकालना आ गया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 25 और 30 एस सी वर्मा के में, तीन क्वेश्चन है, एक सोल्ड एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल तो जो है बारवा दिया हुआ पेज 246 जो पुरानी बुक है उसके अनुसार सोल्ड एग्जाम्पल वो है, और दो अनसोल्ड एग्जाम्पल हैं 25 और 30, ठीक है। इसके बाद उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, उसमें थ्योरी नहीं करवाएंगे, उसमें डायरेक्ट फार्मूले यूज करेंगे हम कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 हमने थ्योरी में देखा कि दो ब्लॉक्स हैं वो स्प्रिंग से कनेक्टेड हो तो उसमें क्या बोलते हैं टू बॉडीज स्प्रिंग ओसिलेटर्स, इसका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होता है टू पाई म्यू अपॉन के, स्प्रिंग में एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो उसका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होता है टी इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन के, इसके बराबर होता है टू स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो उसका किसके बराबर टू पाई म्यू, म्यू किसके बराबर होता है पहले वाले का मास
दूसरे वाले का मास, अब या एम कैपिटल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इसके बराबर होता है। तो इस केस में म्यू किसके बराबर होगा, दोनों मास इक्वल है, एम इंटू एम, एम प्लस एम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम अपॉन टू के बराबर हो जाएगी। रिड्यूस मास जो है एम अपॉन टू के बराबर होगा, तो इसका टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, टू पाई एम अपॉन टू प्लस के अंडर द रूट, या लिख दो टू पाई एम अपॉन टू के। इसका जो टाइम पीरियड है, मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक होगी, और टाइम पीरियड जो है किसके बराबर होगा, टू पाई एम अपॉन रूट टू के बराबर होगा। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 30, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कोई अरेंजमेंट दी हुई है सोनी फिगर, उस आर सरफेस सी, चाहे ये वाला सरफेस हो चाहे ये वाला सरफेस हो, आर सरफेसिस आर स्मूथ इनिशियली, स्प्रिंग के अंदर जो है एक्सटेंशन जो है एक्स नोट है, और उसको एक्स नोट एक्सटेंशन दे के छोड़ देते हैं। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे भी है, और उसका एक्सटेंशन स्प्रिंग जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में है, एक्सटेंशन उसमें एक्स नोट है, हमें इस एम्पलीट्यूड कितना होगा बिलो एम्पलीट्यूड बताना है, ए और यानी ए वन और ए टू की वैल्यू निकालनी है, और टाइम पीरियड बताना है। तो अभी हमने टू बॉडी स्प्रिंग ओसिलेटर पढ़ रहे थे, ये वाला ब्लॉक जो है इस पर कौन सी फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स लग रही है, बाकी तो कोई चेंज नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रही है, इस पर भी स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। यदि मैं इसका जो साइज है, यदि आप इसको छोटा सा कर दो, ऐसे कर दो, और इस ब्लॉक कैसे रख दो, सेम ही रहेगा इस ब्लॉक को, या इसको और थोड़ा चेंज करें, इसको ऐसे कर दें, सेम ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें पता है, इसका इसका हमें टाइम पीरियड भी निकालना आता है और एम्पलीट्यूड भी निकालना आता है। इसका टाइम पीरियड तो किसके बराबर, इसका म्यू निकालना, टाइम पीरियड जो होता है टू पाई म्यू रिड्यूस मास टू के, स्प्रिंग मास वाला ही फार्मूला है, म्यू जो है वो किसके बराबर होगा, एम स्मॉल एम अपॉन एम प्लस एम। तो इसका टाइम पीरियड किसका होगा, टू पाई म्यू एम स्मॉल एम अपॉन एम प्लस एम इंटू के, किसके बराबर हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड निकालना है, ए वन इसका एम्पलीट्यूड निकालना है बिगर मास का, तो स्मॉलर मास लेंगे एम अपॉन टोटल मास इंटू टोटल एक्सटेंशन, इसके बराबर होगा। और इसका एम्पलीट्यूड निकालना है वो किसके बराबर होगा, इसका मास लेंगे एम अपॉन टोटल एम इंटू एक्सटेंशन एक्स नोट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये आईटीजेई 93 में आया हुआ है, इसको मैंने अलग से भी वीडियो, मैं इसकी अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, वो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। उसको दूसरे तरीके से करेंगे, इसको हम जो थ्योरी पढ़ी है उसी के तरीके से करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, ये अरेंजमेंट है, और इसमें दो बोल्स हैं, ये दोनों का मास इक्वल है, दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सेम है, इसको पाई बाई सिक्स के एंगल पे ले जाके छोड़ देते हैं, यानी इस स्प्रिंग में तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और इस स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। यदि इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी रेडियस आर दी हुई है, मीन ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, पाई बाई सिक्स इंटू आर हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है पाई बाई सिक्स आर हो जाएगी, ये भी कितनी होगी, पाई बाई सिक्स इंटू आर होगी, ठीक है। इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया हमने, अभी ध्यान से देखें ये सिस्टम किसके बराबर है, एक ये मास सिस्टम, इसको तो हमने क्या किया, कंप्रेस किया, दूसरा इधर से घूम के आ रहा, इधर से जो है घूम के आ रहा, पीछे से घूम के आ रहा है, और दूसरा स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर एक्सटेंशन हो रही है, दोनों में कंप्रेशन और एक्सटेंशन क्या है, सेम है, जो एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर है, पाई बाई सिक्स इंटू आर, इसको हमने लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे ये लीनियर हो, है तो सर्कुलर, लीनियर बना दिया हमने, और दोनों में इसमें एक्सटेंशन है, इसमें कंप्रेशन है,
इसको और थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसमें भी कंप्रेशन ही कर देते हैं, तो दो स्प्रिंग दोनों के बीच में जुड़े हुए हैं, एक मास इधर है एक मास इधर है, और जो एक्सटेंड कंप्रेशन या एक्सटेंशन जो दे रहे हैं पाई बाई आर सिक्स दे रहे हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा कि दो टू बॉडी स्प्रिंग ओसिलेटर का काम करेगा, के इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे टू के, रिड्यूस मास निकालना है तो एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू एम बाई टू के बराबर आ जाएगा। टाइम पर किसके बराबर होता है, टू पाई म्यू अपॉन के इक्विवेलेंट के बराबर होता है, के बराबर होता है, यहाँ पे के की यहाँ के इक्विवेलेंट ले लेंगे, म्यू की वैल्यू तो क्या एम अपॉन टू, के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है टू के, इसका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर हो जाएगा टू पाई एम अपॉन फोर के। फिर इसमें पूछा हुआ था कि पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसके अंदर निकाल लेते, इसमें टोटल कंप्रेशन कितना है, ये सपोज एक्स नॉट पाई बाई आर पाई बाई सिक्स आर प्लस पाई बाई सिक्स आर दोनों ऐड हो जाएंगे, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी ये एम्पलीट्यूड ए वन है ये एम्पलीट्यूड ए वन है, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, हाफ दोनों टोटल जो इसमें एक्सटेंशन है या सॉरी इसमें कंप्रेशन है और इसमें एक्सटेंशन है वो क्या होगा सेम होगा, वो इसको ए वन मान लेते हैं इसको ए टू मान दिया हमने, तो ए वन प्लस ए टू टोटल जो है इसके अंदर क्या होगा कंप्रेशन होगा, ठीक है, और के ये सिस्टम ले लिया हमने के की जगह के इक्विवेलेंट ले लिया और टोटल जो एक्सटेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है वो किसके बराबर है ए वन प्लस ए टू के बराबर होगा, हाफ के इक्विवेलेंट ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर अंडर दी का स्क्वायर इसके बराबर होगा, या इसका अलग निकाल लो एनर्जी हाफ के ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर इतनी इसकी होगी, टू से मल्टीप्लाई कर दो या के प्लस के लिख दो, एक ही बात है। अब जब ये मीन पोजिशन ही होगी इसकी, ये दोनों कैसे इधर जा रहे हैं फिर बीच में आ रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं, मतलब ऐसे इनका जो बॉडी है ऐसे ओसिलेट कर रही है, एट मीन पोजिशन इसकी सारी एनर्जी किस में करो स्प्रिंग जो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएंगे सारी की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी निकाल के पोटेंशियल एनर्जी को किसके इक्वेट कर दें, काइनेटिक एनर्जी के इक्वेट कर दें, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, हाफ दोनों का मास एक ही निकाल देते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू टू, हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू टू, जो टोटल एनर्जी निकालनी है वो क्या होगी, ये मैक्सिमम थी या इनिशियल थी फाइव, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जब ये मीन पोजिशन पे होगा, वो दोनों क्या होंगी किसके बराबर होंगे टोटल एनर्जी के बराबर होंगी, यही क्वेश्चन डाटा दिया हुआ था इसमें, बहुत सारा डाटा दिया हुआ था, एम की वैल्यू क्या है आर कितना है के कितना है, ठीक है वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो में हम क्या जो वीडियो में एक्सप्लेनेशन है टॉर्क से किया हुआ है, इस पर पहले फोर्स देख लेते हैं, ये सपोज थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया हुआ है, सपोज ये थीटा एंगल पे है तो आर थीटा जो है एम आर थीटा इधर से हो जाएगा आर थीटा इधर हो जाएगा, तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगी टोटल एक्सटेंशन हो जाएगी आर थीटा प्लस आर थीटा इसके बराबर होगी यानी टू आर थीटा के बराबर होगी, कंप्रेशन भी क्या होगी इतनी होगी इस वाले स्प्रिंग में, कंप्रेशन जो है वो भी क्या होगी इतनी होगी, जो फोर्स लग रही है इस पे तो क्या होगी इस पे जो फोर्स है वो इधर लग रही है, कंप्रेस होगा स्प्रिंग तो इधर फोर्स लगाएगा, ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है ये भी इधर फोर्स लगाएगा, टोर्क निकालना है तो क्या करेंगे, जो टोर्क है वो किसका होगा एफ फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, दूसरे पे भी इतनी ही होगी तो ऐसा कर देते हैं इतनी फोर्स थीटा का डिस्प्लेसमेंट इधर है टोर्क इधर लग रहा है तो ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एफ की वैल्यू किसके बराबर है स्प्रिंग फोर्स जो है इसकी वजह से कितनी होगी के इंटू एक्सटेंशन या कंप्रेशन, फोर्स जो है एफ की वैल्यू जो है के टू आर थीटा, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो माइनस के टू आर थीटा इंटू आर इंटू टू, हमें इस बॉडी पे लगा रहे हैं फोर्स जो है इस पे नेट फोर्स इतनी लग रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसके बराबर होगा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं के फोर के आर स्क्वेयर
इंटू थीटा, ये फोर हो जाएगा आर स्क्वेयर इंटू थीटा माइनस साइन, आई किसके बराबर होगा इसका, इस अक्सीज के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर, एम आर स्क्वेयर के बराबर होगा, तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस फोर के अपॉन एम इंटू थीटा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अपोजिट डायरेक्शन में मोशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक होगी, ओमेगा जो है वो किसके बराबर होगा, 4k अपॉन m होगा, टाइम पीरियड जो है किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन k अंडर द रूट इसके बराबर होगा, यही हमने पहले निकाला था, 2 पाई m अपॉन 4k अंडर द रूट, बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो तो हमने सिंपल वर्क पावर एनर्जी का ही फार्मूले लगाया, हाफ के एक्स स्क्वायर निकाला, इसमें लगानी है तो पहले वाले स्प्रिंग में फोर्स हाफ के एक्स, एक्स इतना है, दूसरे वाले में भी इतना ही है, डबल कर दो या दोबारा निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, मीन पोजीशन पे कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगा दी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी या काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, इक्वेट कर देते हैं तो वहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, टोटल एनर्जी पूछी हुई है सिस्टम की, जितनी इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी होगी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो है उसके बराबर ही होगी, बाकी जो है वैल्यू पुट कर दो एम की ए की इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, वीडियो में मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, उनके आंसर भी निकाल दूंगा कितने एग्जैक्ट आंसर कितने।